एक होर पत्रकार सर ने जुड़े हुए ने इस वेले सरी बीसी तो जिन्हां नाल असीं अक्सर गलबात करते हुंदे आ गुरप्रीत सिंह होरी तो इन्होंने एक रेडिकल देसी नाँ का एक जिहड़ा मैगजीन भी है और इन्होंने जिहड़ी डॉक्यूमेंट्री है कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री जिहड़ी जिहड़ी बीबीसी ने तैयार की है और भारत सरकार का पूरा एडी चोटी का जोर लग्या होया है कि लोग इस नूं देख ना सकन मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुँच गया है बहुत सारे लोगों ने पटीशन फाइल की है कि इन्हूं दिखाया जाए जनतक तौर पर और बड़े शर्म की गल मैं तो कहांगा कि भारत के मिनिस्टर ने किरण रिजू उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के समय की बर्बादी है जिहड़ी इस तरह पटीशन आ रही हैं कि हक है एक मिनिस्टर नू इस तरह इंटरवीन करन दा किसी भी कोर्ट के काम दे विच दखल अंदाजी देन दा यह तोहीन है रादर मैं तो कहांगा कोर्ट की जुडिशल सिस्टम की कि मिनिस्टर नू की हक है क्यों वह इनफ्लुएंस करन की कोशिश कर रहा है वह गल वक्री है पर सरी दे विच यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है और गुरप्रीत होर ने ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्री देखी है बल्कि इन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया इवेंट नूं ते आउण तों लैणे जानकारी गुरप्रीत स्वागत करदे आं तुहाडा सैनी साहब बहुत शुक्रिया मंच मुहैया करन लई पहला तो मैं तुहानूं इस गल लई वधाई देणी चाहुंदा कि तुसीं इक पत्रकारी दे जिहड़े म्यार उह कायम रखे ने स्टैंडर्ड्स कायम रखे ने मैं तुहाडी गल सुण रहा सी जिवें तुसीं पाकिस्तान दा ब्लास्ट उहनूं भी कवर कर रहे हो भारत जोड़ो यात्रा नूं भी कवर कीता जिन्होंने गलगियां लाई हुई वड्डे वड्डे पत्रकार कहाउंदे अपने आप नूं उन्होंने भी कोई जरूरी नहीं समझा कि इस खबर नूं तरजीह दित्ती जावे कि इत्थे स्क्रीनिंग हुई है स्क्रीनिंग का मकसद सिर्फ यह सीगा कि उत्थे जदों इस तरह नंदे कसे जा रहे ने असीं सोचदे सी कि एक मुस्तां प्रगटाई जाए क्योंकि बीबीसी भी आखिरकार है कि मीडिया इदारा और मीडिया की आजादी से हमले की एक मिसाल है कि किस तरीके नाल इस फिल्म का स्क्रीनिंग रोकी जा रही है थां थां ते गिरफ्तारियां भी हुई ने सो असी अपने वालों उन्होंने लोगों नाल एक पुछताछ प्रगटाना चाहते थे जिन्हों के सोशल मीडिया से नंबे कस दिए गए साडे साथी पत्रकार गुरप्रीत सिंह सोता भी इतने नोटिस आया जिस कारण सानूं उपराला करना पिया सो ढुकवां समा उसके लिए यही सीगा कि कल कर दे क्योंकि कल गौरी लंकेश का जन्म दिहाड़ा सीगा एक बड़ी जिन्हों कहने कि बहादुर पत्रकार सो उसके जन्मदिन के मौके पर फिल्म दर्शा के असी एक तरीके भी श्रद्धांजलि भेंट की ठीक है सानु थोड़ा दसो तुसी डॉक्यूमेंट्री देखी होएगी मेरे को एक दो थावां तो लिंक भी हुण आ गए हैं खैर असी भी देखांगे डॉक्यूमेंट्री दिखावांगे भी क्योंकि जिहड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है उहनूं कदी भी दबाया नहीं जा सकता ना दबाया जाना चाहीदा है जजमेंट लोकां ते छड्ड दिओ उह देखण उह परखण सही की है गलत की है पर ना कि दबाया जाए उसनूं तो तुसी इह देखी है डॉक्यूमेंट्री सानू पहलां ते अपने दसो तुहाडे की इंप्रैशन ने डॉक्यूमेंट्री देखण तों बाद ਇੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖੌਜਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ तो ये ऑब्जेक्शन कित्थे फिर हो रहा उन्होंने कि क्यों मोदी का नाम क्यों लिया जा रहा है ज ऑब्जेक्शन क्यों इन्ना ज़्यादा मतलब असी देखिया है सरकारां विरोध कर दिया पर जिस हद तक गई है भारत सरकार यूनिवर्सिटियां जे बच्चे देखते हैं उन्हां दी मार कुटाई हो रही है मुकम्मल बैन लगाने की हर थां कोशिश की जा रही है हर हरबा तरीका वरत्या जा रहा कि लोगों तक डॉक्यूमेंट्री पहुँच ना सके तो मैं समझ नहीं आई कि ऐसी एड्डी कि गल है जी इन्नी ज़्यादा इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल है देखो जानी जब गल पता की है जरा पहली गल तो सू मन के दिमाग चो गल कर देनी चाहिए कि भारत एक बहुत वड्डी जमहूरीयत है जी सचमुच बहुत वड्डी जमहूरीयत उसका हाजमा भी मजबूत होना चाहिए अंदरूनी तौर पर किन्ने के लोकतंत्र का लिहाज कर रहे हैं तुहाडे सामने ही किन्ने पत्रकार जेलां सुट दिते गए बुद्धिजीवी जेलां सुट दिते गए जिहड़े सवाल करते हैं सो जाहिर तौर पर जदों कोई बाहरों को उपराला होया बीबीसी एक बहुत वड्डा इदारा
उसने जो सारी सरकार दी कार्यकाल लेखा जोखा किया सरकार नूं तकलीफ होनी ही होनी सी। ये कोई जगो तेर भी गल नहीं हुई जिहड़ा मोदी सरकार वाला प्रतिक्रम आया जो अंदरूनी तौर पर जो कोई विरोध करते हैं उन्होंने कदे देश विरोधी कदे देश द्रोही कदे अर्बन नक्सल की उपाधियां दी जाने अज वेख लो अडानी हूं आप फसया पाया तो हूँ उसने भी देशभगति की वोट लैण की कोशिश की है। सो यी एक रवायत लंबे समय तो चलती आ रही है मोदी सरकार जी करती आ रही पर कल्ली मोदी सरकार कसूरवार नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा जहा इतिहास से लैके जाना चाहता जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होया उस वेले भी जो बीबीसी की कवरेज को लैके इस तरह के रोस खाले कांग्रेसियों वालों किए गए हैं दिल्ली के कि बीबीसी वाले क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं क्यों पंजाब का सच लोगों को दसया जा रहा। सो इंडिया के जी टॉलरेंस लंबे समय तो घटती आ रही है जिसके चलते एमरजेंसी कुछ लग चुकी थी एक बार पर अज जे हालात ने एमरजेंसी तो भी अगह लंघ गए हैं अन ऐलानी एमरजेंसी है। देखो सिदम की गल विडंबना वेखो एमरजेंसी के दौर में जे नरेंद्र मोदी लुकते फिरते रूह पोश हुए थे एक सिख के भेस के अज उन्होंने राज हेठा एमरजेंसी वर्गे हालात जोड़े ने दोहराए जा रहे हैं। एक जी ग्रुप है बड़े एमीनेंट सारे लॉयर्स भी ने और सिटीजन मैं कहांगा जिन्हें प्रशांत भूषण है राम है इन्होंने बंद ने एक पटीशन दायर की है कि क्यों नहीं ये जी डॉक्यूमेंट्री दिखा दिती जाती भारत के आम लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाई पहुँच की जा रही है। तो एक भारत का लॉ मिनिस्टर मतलब किरेन रिजू ये गल कह रहा है कि ये ऑनरेबल कोर्ट के समय की बर्बादी है और बड़े लोगों के केस लंबे समय तो लटके पे है वो कोई गल नहीं करता ये तो टाइम वेस्ट किया जा रहा है मतलब कोई लॉ मिनिस्टर इस तरह भी इंटरवीन कर सकता है शरेआम कोर्ट के कामों के दखल अंदाजी के। देखो सैनी साहब जो ना पिछली बार कांग्रेस सरकार थी ना तो बीजेपी वाले अक्सर कहते होंगे जी सीबीआई यह संस्थावां कि पिंजरे च डके हुए तोते ने अज सारे इंस्टीट्यूशन जो तोते बन चुके हैं चाहे इलेक्शन कमीशन होया चाहे सुप्रीम कोर्ट हुई कोर्टा भी जड़िया इन्होंने पानी भर दिया ने तुम वेख लो हूँ गुजरात कतलेआम के जरा सच इन्ने साल बाद जरा लोगों वेख के बड़ा अजीब लग रहा पर इस कोई अजीब गल है नहीं क्योंकि जे एक्टिविस्ट लंबे समय तो काम करते आ रहे वो तो इस गल बार बार दोहराते रहे उन्होंने तो कई तरह के खुलासे किए हैं पर क्योंकि बीबीसी बहुत वड्डा मंच है इस करके गल पूरे संसार से फैल गई है एक संसार में चुप्पी जी पसरी हुई थी मोदी सरकार के कामों को लैके अज वो टुटती नजर आ रही है जिस कारण सरकार को तकलीफ हुई है। लॉ मिनिस्टर भी इसी करके बयान इस तरह दे रहा वो जो बयान है लॉ मिनिस्टर का उसको उस रोशनी से वेखा जाए अपने आप से जो कुछ इस विखाया गया उस कोई नवा नहीं है हिंदुस्तानियों कुछ भी नवा नहीं है इस क्योंकि प्रशांत भूषण इस तरह के लोग तो लंबे समय तो यह काम करते आ रहे लंबे समय तो सरकार को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। सो जो मिनिस्टर का बयान है उस रोशनी में वेखा जाना चाहिए कि सरकार की निरी डेस्पीरेशन है कि अज अंतरराष्ट्रीय मंच उत्ते भी यह गल उछाली जा रही है कि मोदी सरकार के राज हेठा किवें घट गए ते हमले तिखे हुए ने या किवें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा। ठीक है जी थैंक यू गुरप्रीत और मैनू याद राणा अयूब तुहाडे कोल इत्थे आए सी और इत्थे टोरंटो भी साडे कोल ब्रैम्पटन भी आए इत्थे और उन्होंने जो स्टोरियां सुनाईया अपनियां कि किस तरह उसने अपनी जान तली ते धर के किवें लुको के कैमरे किवें लुको के माइक्रोफोन और वह सारिया उन्हें तत्थ पेश कर दते कि अमित शाह किवें सीधे तौर दे उत्ते इह दंगियां दे पिछे जरा वो है और होर भी लोग उन्हें कले कले जाके इंटरव्यू की अज राणा अयूब पता हो गौरी लंकेश ने राणा अयूब की जी चर्चित पुस्तक है उसका कन्नड़ भाषा च अनुवाद भी किया जी। सो कल बिल्कुल इस करके मौका मेल वधिया बन गया कि असीं उन्हां दे जन्मदिन के मौके पर एक फिल्म विखा सके। ठीक है जी चलो जी थैंक यू सो मच तुसीं इन्हां मुल्कां दे विच तुहाडा मौका है तो थैंक यू सो मच जुड़े हुए तुसीं रेडियो प्रोग्राम प्रवासी दे नाल। तो बीबीसी होवे जां कोई भी होवे इस कोई दो राय नहीं कि यह कोई दो धोते अदारे नहीं है चाहे वह बीबीसी चाहे कोई होर है पर क्वेश्चन फिर उही है कि जे मैं असी कल कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे सी डिक चैनी दे उत्ते बनी हुई है और यह जी जी डॉक्यूमेंट्री का नाम शायद VICE वॉइस है क्योंकि वॉइस प्रेजिडेंट सी तो तुसी हैरान हो जाओगे देख के डॉक्यूमेंट्री जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं डिक चैनी दी जिस तरह उसकी कली कली गल खोल दी गई है कि बंदा किस तरह इसने लोगों जिहड़ा टॉर्चर किया गया जिहड़े कानून बनाए किस तरह इहदा संबंध सी वड्डियां वड्डियां तेल कंपनियां दे नाल किस तरह इसने बुश नूं बेवकूफ बनाया बेवकूफ तो सी ही बुश पहला ही बेवकूफी सी पर इसने सारी पावर अपने हाथ च लै ली किस तरह इस बंदे ने जिहड़ियां इह तेल दीआं वड्डीआं वड्डीआं कंपनियां सी उन्हां नूं बिलियन एंड बिलियन डालर का फायदा पहुँचाया
किस तरह ये बंदे ने इराक दे विच अफगानिस्तान दे विच अमरीका नू इनवेड करवाया धक्के नाल और लखां ही लोकां दा कतलेआम होया इस बंदे करके। वो जींदा है हजे डिक चैनी को मरिया नहीं पर पूरा तथ्य सारे खोल के रख दिते पर्दा फाश करके रख दिता है इस डाकूमेंटरी ने डिक चैनी दी ने तुसी देखो और वो डाकूमेंटरी दिखाई जा रही है बाय द वे एमाजॉन दे उत्ते पई हुई है डाकूमेंटरी तुसी आप देख सकते हो। यह है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन। तो डिक चैनी चाहता मल्टी बिलनर है डिक चैनी उन्होंने सू भी कर सकता सी रुकवा भी सकता सी कोर्ट तो भी जाकर रुकवा सकता सी पर ऐसा नहीं होया और यह डाकूमेंटरी पब्लिक डोमेन दे विच है। यह है सही मायने दे विच डेमोक्रेसी लोगों को देखन दो लोगों को जजमेंट करन दो जे गलत है तो वह भी दसो। जुड़े हुए हो तुसी रेडियो प्रवासी नाल पढ़दा यह मतलब नहीं कि तुसी ब्लैंकेट बैन का ऑर्डर लगा दो करफ्यू लगा दो ये गल गलत है। जुड़े हुए हो तुसी रेडियो प्रोग्राम प्रवासी दे नाल।